हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं डॉक्टर के अग्रवाल। आपको कोविड है या कोविड का वैक्सीन लगा है और फीवर नहीं उतर रहा? समबडी में से 101, 102, आई हैव सीन अप टू 105। सो आई हैव सीन फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ 105। इवन विथ कोविड फीवर कैन वैरी। फीवर मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इट्स नॉट इन्फेक्शन, it's not a bacteria, it's not a sepsis. If the fever is less than 100.4, it's a IL-6 fever, it's a circadian rhythm fever. That fever will come on exertion. अगर आपको चलने में 2 घंटे के लिए evening rise fever आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। I'm talking about a fever of more than 101. पहले हम कहते थे fever 101 से ज्यादा है तो पक्का pneumonia है। Day 2, Day 3 में हम कहते थे कि Day 3 में फीवर 101 से ज्यादा है तो पक्का निमोनिया है, आपका CRP मोर देन 10 आएगा। लेकिन अब वैक्सीन के बाद या री इन्फेक्शन में हम सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में भी, जिसमें लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें भी हाई ग्रेड फीवर देख रहे हैं। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो हमेशा आप डॉक्टर को ढूंढते हैं, अस्पताल की तरफ भागते हैं। पहले ये करिए, फिर डॉक्टर से बात करिए। सबसे पहले आप स्पॉन्जिंग करिए या पानी के नीचे जाके बैठ जाएं ताकि बुखार को तुरंत कम कर सके। निमोनिया की चिंता मत करिए कि निमोनिया में नहलाते नहीं है। दूसरा, सारे लोग डोलो पैरासिटामोल की तरफ भागते हैं, लेकिन शायद वो काम ना करे। मेफेनिमिक एसिड 500 मिलीग्राम की गोली ले लें, बुखार ना उतरे तो उसके साथ में पैरासिटामोल या डोलो ले लें। अकेला पैरासिटामोल मत लें। अगर आपको लगा कि बुखार बहुत ज्यादा है और इन्फ्लेमेशन CRP भी आपका बहुत ज्यादा है तो आप स्टैट अपने डॉक्टर से बात करके नाउ स्टेरॉइड भी ले सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए, अगर आपका बुखार बहुत ज्यादा है तो फिर SpO2 पे रिलाय ना करें। लोग क्या कह रहे हैं, मेरा बुखार 103 है और मेरा SpO2 कम हो रहा है। दैट मे नॉट बी रिलायबल, दैट इक्विपमेंट मे नॉट बी रिलायबल। याद रखिए, अगर आपका फीवर ज्यादा है, डॉक्टर से दूसरे को बोले बात करें, आप उसका बुखार उतारिए। ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर निमोनिया नहीं है मान लीजिए और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है तो ये कंट्रोल में आ जाएगा और आपका हॉस्पिटलाइजेशन बच सकता है। याद रखिए, अगर आपका बुखार 101 से ज्यादा है, ये साइटोकाइन का बुखार है, ये TGF-beta का बुखार हो सकता है, IL-6 का बुखार हो सकता है, TNF-alpha का बुखार हो सकता है, या फिर IL-1-beta का बुखार हो सकता है। जो दवाइयां मैंने बोली हैं, इमीडिएटली आप ये दवाइयां दे दीजिए। उसके साथ में एक दवाई आप और दे सकते हैं और वो है कोल्चिसिन। उस वक्त में एक गोली कोल्चिसिन की भी दे दीजिए, क्योंकि वो IL-1-beta को रोकेगी। नमस्कार।